आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न है, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य का पीला प्रकाश चौड़ाई 0.88 मिलीमीटर के फ्रिंज उत्पन्न करता है। यदि प्रकाश के स्रोत की जगह 7500 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य वाला एक वर्णी स्रोत रखा जाए तो स्लिटों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो फ्रिंजों की चौड़ाई क्या रह जाएगी, अब वो हमें बताना है। ठीक है, तो हमें बोला जा रहा है यंग के द्विस्लिट प्रयोग की बात। तो ये क्या है, आपका ए और बी दो स्लिट मान लो, ठीक है, जिनके बीच की दूरी हम क्या मान ले रहे हैं, डी, और स्लिट से पर्दे के बीच की दूरी कैपिटल डी मान ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दो प्रकाश स्रोत को उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, एक बार S1 हमने रखा जिसका तरंग दैर्ध्य क्या है, लैम्डा 1 बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये तरंगें गई, ठीक है, और व्यतिकरण यहाँ पे क्या हुआ, व्यतिकरण की घटना हुई और आपको एक फ्रिंज यहाँ पे प्राप्त हुआ। उसी प्रकार केंद्र पे भी आपको दीप्त फ्रिंजे मिलेंगी और ये अदीप्त फ्रिंजे क्रमागत रूप से प्राप्त होंगी। ठीक है, तो अब हमें बोला जा रहा है फ्रिंज की चौड़ाई की बात की जा रही है, मतलब दो क्रमागत दीप्त फ्रिंज या दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी। तो लैम्डा 1 जब लिया गया तो बीटा 1 मतलब फ्रिंजों की जो चौड़ाई आई वो 0.8 मिलीमीटर आया गया। ठीक है, अब यदि प्रकाश के स्रोत की जगह अब S2 हम रख देते हैं, ठीक है, प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो उसके लिए जो तरंग दैर्ध्य है लैम्डा 2 का मान वो 7500 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, और इसके लिए जो आपका क्या होता है कि अब स्लिटों के बीच की दूरी मतलब ये क्या जो डी है ये क्या कर दे रहे हैं, इसे दूरी दुगुनी कर दे रहे हैं। मतलब पहली स्थिति में क्या है, D1 है, और दूसरी स्थिति में क्या है, D2 है, और D2 जो है ये D1 बटा क्या है, बीच की दूरी दोगुनी कर दे रहा है, मतलब 2D1 के बराबर। D2 क्या हो जा रहा है, 2D1 के बराबर, और बाकी चीज़ें क्या रह रही है, ये D का मान नियत रह रहा है। तो अब हम बताना है कि फ्रिंजों की चौड़ाई क्या होगी, मतलब बीटा 2 मान लेते हैं, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो इसे किस प्रकार निकालेंगे, तो देखो बीटा 1 मतलब फ्रिंजों की चौड़ाई अगर हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा 1 डी बटा D1। ठीक है, ये क्या हो गया, समीकरण 2। और बीटा 2 अगर लिखेंगे तो बीटा 2 हो जाएगा लैम्डा 2 डी बटा D2। ठीक है, और D2 की जगह क्या लिख सकते हैं, 2D1 के बराबर, ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, बीटा 1 बटा बीटा 2 बराबर लैम्डा 1 डी बटा D1 गुने 2D1 बटा लैम्डा 2 डी। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, DD कैंसिल आउट हो जाएगा, D1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा 1 बटा लैम्डा 2। तो यहाँ से बीटा 2 निकालना है हमें, तो ये हो जाएगा बीटा 1 इंटू लैम्डा 2 बटा 2 लैम्डा 1। ठीक है, तो बीटा 2 मान रख दो अब इस पे, तो बीटा 1 का मान कितना था, 0.8 मिलीमीटर, तो मीटर में बदल देंगे, -3 मीटर हो जाएगा। लैम्डा 2 का मान कितना था, 7500 एंगस्ट्रॉम, तो मीटर में रखेंगे, 7500 गुने 10^-10 मीटर। और 2 लैम्डा 1, लैम्डा 1 का मान कितना था, 6000 एंगस्ट्रॉम, तो 2 × 6000 × 10^-10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ से बीटा 2 जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा, तो ये 5 × 10^ क्या हो जाएगा, -4 मीटर के बराबर। मिलीमीटर में अगर आप इसे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.5 मिलीमीटर के बराबर। ठीक है, तो यही आपका क्या आ जाएगा, दूसरी स्थिति में फ्रिंज की चौड़ाई का मान जो हमें प्रश्न में ज्ञात करना था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।